दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 11 और आई होप कि आप लोगों ने पीछे के जो 10 टारगेट हैं उन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके साथ जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो है कंसिस्टेंसी की। अगर आप किसी चीज के साथ कंसिस्टेंसी के साथ नहीं जुड़े हुए हो तो आप निश्चित तौर से मानिए कि उस काम में सफलता बहुत मुश्किल से मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि भैया मेरे तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, भैया मेरे को आता तो सब कुछ है लेकिन जब मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो उस समय मेरे मार्क्स ही इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, या मैं टेस्ट जो है सही टाइम में नहीं लगा पा रहा हूँ, टाइम किस तरीके से कम होगा। मैं आप लोगों को बता दूँ, आप इस चीज को मान लीजिए, जो आप लगातार पढ़ रहे हो ना, सिर्फ आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आपको पता नहीं लगने देगी और आप सफल हो जाएंगे। इसके ये जो एग्जांपल्स हैं आप ये देख सकते हो माइकल फेलप्स को, इनके पास जो इतने गोल्ड है ना, इन्होंने अपनी सक्सेस का सिर्फ एक ही राज बताया है, वो है कंसिस्टेंसी। ये बताते हैं जब इनसे पूछा गया था विजिंग ओलंपिक के अंदर कि भैया आप तो बड़े लकी हो कि आपने तो इतने सारे गोल्ड मेडल जीत लिए, इन्होंने बताया लकी 4 साल के अंदर ओलंपिक होता है एक बार, और मैं पिछले 4 साल से बिना ये सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा रोज डेली 8 घंटा पानी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर आप रोज डेली इस तरह किसी भी काम में लगाते हो तो आपकी जीत निश्चित है, ये कह चुके हैं। और उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100% दिया है लेकिन मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना किया है, उसके बाद मेरे सामने ये है। और ये नहीं कहता कि मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, मुझसे भी बेहतर कर सकता है, जो जितनी कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को करेगा उसको सफलता उसी के रेशियो में मिलेगी। इन्होंने कहा कि 4 साल आप मेहनत करके देख लो, ऐसी आपकी सफलता अगर आपके कदम न चूम ले तो बात है, और निश्चित है। आप खुद बताइए, क्या आपने 1 साल भी कंसिस्टेंसी के साथ किसी एग्जाम की तैयारी की है? आपके दिमाग से ही ये निकल के आएगा, ना भाई आपने कभी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की ही नहीं है। 1 साल सिर्फ आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ दिल लगा के मेहनत कर लें, जितनी भी चीजें कराई जाती हैं उन चीजों को अगर आपने दिल से फॉलो किया तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। ये आपके सामने खुद कहते हैं कि एकमात्र चीज है मेरी सफलता के लिए, एकमात्र चीज वो है कंसिस्टेंसी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कंसिस्टेंसी क्या, कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी काम को लगातार करते रहना। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के भाग गए, अरे अब नहीं हो रहा। देखो, आपको यह लग सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा, जैसे एक पत्थर है उस पर एक एक बूंद गिर रही है, आपको लग रहा होगा इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन वो बूंद जब लगातार एक ही स्थान पर गिरती रहती है तो उस पत्थर की चट्टान को भी काट देती है, उस पत्थर के अंदर गड्ढा कर देती है एक बूंद। लेकिन अगर आप अपनी आंखों के सामने 10 दिन तक एक एक बूंद गिराओगे आपको दिखेगा यार कुछ हो ही नहीं रहा, हो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। ठीक इसी तरीके से आप जो पढ़ रहे हो वो आपको लग रहा होगा कि बर्बाद जा रहा है, लेकिन एक ना एक दिन वो चीज आपको सफलता दिलवाएगी, और आप ये मत समझना कि आपको एकाएक सफलता मिल गई, वो यही रीजन होगा जो आपने लगातार पढ़ाई की थी। आपने सुना किसी ने कहा होगा कि वो 2 साल से तैयारी कर रहा था नहीं हो रहा था, 3 साल तैयारी की नहीं हुआ, लेकिन एक बार अचानक से उसको सिलेक्शन हुआ और फिर लगातार सिलेक्शन होने चले गए, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या सिर्फ उसी साल उसने इतनी मेहनत कर ली? नहीं, उसके पीछे की चीजें भी बहुत कुछ कर चुकी थी, बस उसने अपनी धार को तेज किया और एकदम से काम हो गया। ये तो सिर्फ आप लोगों के सामने है किस चीज का, पानी का एग्जांपल दिया मैंने। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे बचपन में हम रस्सी से किसी चीज को काटने की कोशिश करो, 1-2 बार ऐसे घिसोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार उसी चीज को ऐसे घिसते रहो तो आप देखोगे उसके अंदर गड्ढा कर देगी, हो सकता है उस चीज को काट भी दे। तो आप लोग कंसिस्ट अगर रहते हो किसी भी चीज को लेके तो निश्चित तौर से आपकी सफलता निश्चित है। ये छोटी सी बात है वैसे तो, लेकिन अगर आप इस चीज को सोचेंगे दिल से तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, अगर किसी भी काम को लेके कोई भी इंसान पूरी कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ जाए, मतलब लगातार उस काम में अपना वो 100% देने की कोशिश करता रहे, दे 100% भले ही ना दे पाए लेकिन वो अगर 100% देने की कोशिश भी करे तो उसकी वो चीज 100% सफल होगा, वो उस चीज को आप सफल समझ लीजिए। लेकिन ये काम हो नहीं पाता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कर ले लूंगा, हाँ हो नहीं पाता है ये। तभी इन्होंने भी कहा कि मैं 8 घंटे प्रैक्टिस किया उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि 100% मैंने नहीं किया, हो सकता है मुझसे भी बेस्ट कोई आ जाए। देखो यहां पे देखो लाइन लिखी है, कंसिस्टेंसी इज द की, इफ यू कांट बी कंसिस्टेंट
देन यू कांट बी एनीथिंग। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि कंसिस्टेंसी जो है वो एक आपकी चाबी है, मतलब एक की है। इफ यू कांट बी कंसिस्टेंट, अगर तुम किसी काम को लगातार नहीं कर सकते हो तो आप ये समझ लीजिए देन यू कांट बी एनीथिंग, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो और आप उस पढ़ाई में कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो उस काम के लिए, तो यहां पे सीधा लिख दिया है देन यू कांट बी एनीथिंग, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, सफलता नहीं मिलेगी चाहे आप कितनी मेहनत करते रहो। कुछ लड़के कहते हैं मैं 4 साल से मेहनत कर रहा हूं। 4 साल से मतलब नहीं है, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल रेगुलरली कितने दिन तैयारी की है, बीच में तूने गैप नहीं किया है। अगर तुम कहो कि हाँ भाई मैंने 2.5-3 साल लगातार बिल्कुल डेली 8 घंटे दे के मेहनत की थी, उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर सोचने वाली बात है कि भाई कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है, या तो आपके जो पुराना पास्ट है वो बहुत बेकार रहा है, आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, या फिर आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ इधर उधर टीचरों के चक्कर में पड़ रहे हो जिनको पता ही नहीं है कि क्या करवाना है, बच्चे के कॉन्सेप्ट को कैसे उठाना है, इस चीज को आपको समझना है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आज आपका है 11 डे, यहाँ पे आइए, टारगेट डे 11 है। यहाँ पे स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में मैंने जो चीजें रखी हैं वो आप एक बार देखेंगे। तो गाइज ये है हमारा टारगेट डे 11, और आई होप कि आपने जो पीछे वाले टारगेट से बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, उसके कुछ टेस्ट जो बने हुए हैं जैसे लाइंस का टेस्ट बना हुआ है उसकी जरा प्रूफ रीडिंग बाकी है, उसको प्रूफ रीडिंग वो कर लेंगे तब वो अपलोड करा दिए जाएंगे, और भी काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो अपलोड होने बाकी हैं तो वो भी अपलोड हो जाएंगे। फिलहाल हम बढ़ गए हैं टारगेट डे 11 की ओर, आज कल में उन्हें भी अपलोड करा देंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका टारगेट डे 11 है, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, इसमें नवंबर की इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि 11 डे चल रहा है, नवंबर ये अब खत्म हो जाएंगे, इसकी जगह फिर और एक नया टॉपिक उठाएंगे, जैसे ये डेट्स इंपॉर्टेंट थी फिर एक नया टॉपिक उठाएंगे, उसको भी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे जिससे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हम लोग कम से कम कर ही सकें। तो टारगेट डे 11 है, इसमें नवंबर की इंपॉर्टेंट डेट्स आपको करनी है, भारत की नदियों के किनारे जो स्थित नगर हैं वो आपको कवर करने हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ इसकी जो PDF है, वैसे तो आप लोगों को VIP गुरु जो ऑफिशियल एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसकी जो PDF है आपको 1 से 2 दिन डिले हो सकती है, क्योंकि अभी स्टूडियो में काम चल रहा है, बड़ी मुश्किल से तो ये वीडियो शूट हो पा रही है फिलहाल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर, ये वाली चीज़ आपको कवर करनी है। इसके अलावा ऑल प्रेजिडेंट की जो लिस्ट है, जितने भी प्रेजिडेंट हैं, जितने हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, उन सब का, क्योंकि रेलवे में पिछली बार क्वेश्चंस इस तरीके से देखने के लिए आए हैं कि 7वें राष्ट्रपति कौन थे, अब हमें यही नहीं पता 7वें राष्ट्रपति कौन थे, तो क्रम से राष्ट्रपति हमें पता होने चाहिए, और तो और ये भी पता होना चाहिए कि किस राष्ट्रपति के क्रम में कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुई है। जैसे पूछ लेते हैं इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम में लगी थी, तो पूछ लेते हैं कि देश में इतनी बार आपातकाल लगा, इसलिए दूसरी बार जब आपातकाल लगा तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे। प्रधानमंत्री का नाम तो सबको पता है क्योंकि इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात होती है, लेकिन उस समय राष्ट्रपति कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमने पहला परमाणु परीक्षण करा तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा पूछ लेता है APJ अब्दुल कलाम किस समय से किस समय तक उनका कार्यकाल रहा, तो मतलब ये वाली चीज़ें आप TCS पूछने लग गई है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जरूर से जरूर कवर कर लीजिएगा। नेशनल पार्क्स, वैसे अभी ये पॉलिटी में भी करवाएंगे, फिलहाल जो है लिस्ट जरूर याद कर लेना क्रम से। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे जो पार्क हैं, नेशनल पार्क ये पोएम के थ्रू याद होते हैं, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, उसे देख लीजिएगा आप, ठीक है, बहुत ही अच्छी है। टाइम लगेगा, एक बार में किसी के याद नहीं होती है, ये भी मैं बता दूं, कोई सोचे कि पहली बार में याद हो जाएगी ना, आज अगर उस चीज को लिख लोगे आप, सबसे पहले स्टैटिक जीके ही लिख लिया करो, उसे अगले 6 दिन तक रिवाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग ये इग्नोर कर रहे हैं टेस्ट वेस्ट ना देके, मैं बता रहा हूं ये बहुत पछताएंगे, बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा पछताएंगे। नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये आप लोगों को करने हैं। क्या नेशनल पार्क ऑफ इंडिया और भारतीय संविधान की विशेषताएं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का जो संविधान है वो किस तरीके का संविधान है, ठीक है, ये इसका आंसर नीचे दीजिएगा जरूर से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कहोगे कि भैया किस तरीके का मतलब, तो वो उसमें ऑप्शन दिखाएंगे, वैसे आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि मिक्स्ड है या इस तरीके की व्यवस्था है, मतलब आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है साइंस,
क्लास नाइन्थ की जो एनसीईआरटी है वो हमारा चैप्टर नंबर 12 जो हम कवर कर रहे थे, ध्वनि वाला चैप्टर, साउंड वाला चैप्टर, उस चैप्टर का अभी तक आपने सिर्फ थ्योरी की थी, आज हम बेसिक्स के साथ साथ उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, फिर उसके प्रीवियस ईयर आप लोगों को लगाने हैं। आपके पास जो भी बुक हो, चाहे यूथ की बुक है, इंजीनियर एस के झांसा की बुक है, जो बुक आपके पास है, हमें सिर्फ ALP, JEE और ग्रुप डी 2022 इन एग्जामों के क्वेश्चन हम लोगों को लगाने हैं। इसके अलावा है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये वाला चीज करेंगे जो बायोलॉजी कवर होती चल रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा साथ साथ बायोलॉजी कब निपट जाएगी। अब इसके बाद जब हम 10th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो दो चैप्टर्स वहां से कवर होंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले भी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कब निपट गई। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र और विभिन्न कारकों के कारण और उनके उत्पन्न रोग और उनके कारक और उनके बचाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछता है ये वाला रोग किसके कारण होता है, इसका बचाव करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसके कारक क्या है, ठीक है, किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, ये वाला तुम्हें टॉपिक कवर करना है। विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न रोग एवं उनके कारक और उनके बचाव, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स भी मैं दूंगा आप लोगों को, ये वाली चीज़ आपको कवर करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैथ्स में, तो मैथ्स में हमारा जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ये वाला टॉपिक चल रहा था, तो टाइम एंड वर्क हम काफ़ी करा चुके हैं। फिलहाल मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो हमारा टाइम एंड वर्क है, एक मिनट, यहाँ पे जो टाइम एंड वर्क है वो तो हमें करना ही करना है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि पाइप एंड सिस्टर्न जो सेम टू सेम इसी पे बेस्ड है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सेम टू सेम उसी पे बेस्ड है जैसे कि टाइम एंड वर्क किया था। लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, लेकिन जिस बंदे ने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को समझ लिया है जो टाइम एंड वर्क है, तो निश्चित तौर से वो पाइप एंड सिस्टम के सारे क्वेश्चंस करने में सफल होगा। और जिस टीचर से मैंने ये आप लोगों को कराया है, वो इसलिए कराया है क्योंकि इस चैप्टर की हमें नीड बहुत ज़्यादा है, ये हमारे जो पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और 100% श्योर आते ही आते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से जिस टीचर से मैंने आपको करवाया है ये, वो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है आपको पता है, तो उनके थ्रू ही अगर हम कोशिश करेंगे कि पाइप एंड सिस्टम के बेसिक्स आपको करवा दिए जाएं, बाकी हमारा भी लेक्चर है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज दी जाए। तो टाइम एंड वर्क के तो प्रीवियस ईयर देखने हैं आपको, सिर्फ जितना आपने कर लिया है वो मोर देन इनाफ है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना है, बस देख लीजिएगा कि जैसे आप मान लो वहाँ आया, ए ने इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया, ये दोनों छोड़ो कौन कर रहा है इसको, ए प्लस बी ने इतने दिन में, बी प्लस सी ने इतने, सी प्लस ए ने इतने दिन में, ये दोनों तीनों कितने दिन में, छोड़ो, क्योंकि कर चुके, जिसका कॉन्सेप्ट आप कर चुके हो उन क्वेश्चंस को करने की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नया दिखे कि हाँ यार ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, उस क्वेश्चन को करिए आप लोग, ठीक है, ये वाली बात आ गई। नेक्स्ट मैं बात करता हूं तो पाइप एंड सिस्टम के कंप्लीट चैप्टर आपको कवर करना है ये हफ्ता, टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर प्लस पाइप एंड सिस्टम जो चैप्टर है उसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा 30 क्वेश्चन लगा लोगे सारा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, 30 क्वेश्चन भी नहीं है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने इन दो चैप्टर्स के लिए आपको बोला था राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, जो एप्लीकेशन भी आपको बताई गई थी, वहाँ से जाके इसके क्वेश्चंस जरूर से जल्द लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वैसे क्लास नोट्स में कुछ अलग नहीं है, जो इन्होंने पढ़ाया है वही वाली चीज़ें हैं, तो ये दो चैप्टर्स वहाँ से करने कंपलसरी है। इसके अलावा रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में देखिए, जैसे कि हमारा दो हफ्ते सीटिंग अरेंजमेंट चल चुका है, इसके अलावा इस हफ्ते भी हम सीटिंग अरेंजमेंट के प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा थे, तो पहले आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, इस बार आप अपने प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा कि मेरे प्रीवियस ईयर किस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है, मेरे यहाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा मैंने दो रीजनिंग के चैप्टर और उठाए हैं, बिल्कुल छुटकू छुटकू से चैप्टर हैं, जैसे मैट्रिक्स वाला चैप्टर है, ठीक है, मैट्रिक्स मतलब आप व्यू, इसमें वही एक टेबल बनी होती है, यहाँ पे इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 1, 2, 3, ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछ लेता है कि इसका कोड क्या होगा, ठीक है,
तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की जो टेक्निक है, जिस टीचर का मैं लेक्चर दूंगा आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। नोट्स में अपने प्रोवाइड कराऊंगा, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नोट्स में दूंगा, लेकिन कल को जाएगी शायद पीडीएफ आपकी, इस चीज को आप देख लीजिएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ दो क्वेश्चंस करने की जरूरत है, इसके अलावा आपको तीसरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। दो क्वेश्चन से आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फिर जहां भी क्वेश्चन आए, वैसे रेलवे में आया नहीं था क्वेश्चन, लेकिन अगर आएगा तो आप निपटा देंगे, ठीक है। इसके अलावा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये भी एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक पेज का टॉपिक है, एक पेज का। कहने का मतलब यह है, इसके लिए 20 मिनट का लेक्चर और इसके लिए 40 मिनट का लेक्चर मोर देन इनफ है। एक घंटे में ये दोनों टॉपिक्स निपट जाएंगे। फिर इन दोनों टॉपिक्स के आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा कि किस तरीके के मेरे एग्जाम में आए हुए हैं। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होते हैं तो अपने डिस्कशन ग्रुप में उन चीजों को डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि शायद जिन लड़के जो लड़के लड़कियां फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि कितनी आसानी से हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के करीब करीब 6 से 7 चैप्टर निपटाने वाले हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट निपट गया, ठीक है, लाइंस निपट गई, लेटरिंग निपट गया, इधर प्रोजेक्शन चल रहा है, 2 चैप्टर और बचते हैं इसके, सिंबल वाला जो याद ही करने वाला चैप्टर है, और एक चीज और बचेगी, बस ये पूरा का पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आपकी खत्म। फिर इसके बाद अगर बात करें आपकी फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस वाला पार्ट है, यूनिट्स आपका हो गया, मेजरमेंट आपका हो गया, स्पीड वेलोसिटी आपका हो गया, मास वेट डेंसिटी आपका हो गया, इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स बच रहे हैं, एनर्जी भी हो गया, वर्क एंड एनर्जी भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जब हम अपनी 10th वाली इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तभी हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी निपटा देंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब सिलेबस आपका निपट गया। फिलहाल यहाँ पे प्रोजेक्शन जो रिमेनिंग पार्ट है, मैं आपको बता दूँ प्रोजेक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्रोजेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, क्योंकि आपके साथ 12th वाला भी बच्चा बैठता है, 12th PCM का, उसे ED का E भी नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में डिफरेंस क्या है, जो आपने टेस्ट लगाया होगा आपको पता चल गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। प्रोजेक्शन के रिमेनिंग पार्ट जो बचे हैं वो आपको कवर करने हैं, ये आप ही घबराइएगा नहीं, अगली बार भी देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं ये आप समझ लीजिएगा, और ये अगले हफ्ते ये वाला चैप्टर भी एंड हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा टारगेट था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।